नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से आ रही है। खंडवा में फिर से नर्मदा जल योजना की पाइप फूटी है, लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। 7 दिन में चौथी बार पाइपलाइन फूटी और भीषण गर्मी में जल संकट लोग झेल रहे हैं। पाइपलाइन फोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 2 लोगों को जेल भेजा है और 12 पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये पाइपलाइन की है जो नर्मदा से खंडवा को जोड़ती है पाइप, और इसके जरिए कई गांवों तक, कई शहरों तक जो है पानी की सप्लाई होती है। लेकिन बीच में ही 7 दिन में कई बार ये पाइप फूट गया। पाइप फूटने की वजह से देखिए आप, फव्वारा, जो पानी का फव्वारा है वो देखने को मिल रहा है। लोगों को पानी की समस्या हो रही है क्योंकि बीच में ही पाइप फट जा रहे हैं। पानी की बर्बादी का ये मंजर भीषण गर्मी के बीच आप देखिए, और ऐसे में किस तरीके से लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो फिलहाल ये तस्वीर, खंडवा में एक बार फिर से नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन फूटी है और लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। 7 दिन में चौथी बार पाइपलाइन फूटी है और भीषण गर्मी में जल संकट लोग झेल रहे हैं। पाइपलाइन फोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात सामने आई है। तो जिस तरीके से पाइपलाइन के फूटने की खबर आई है और उसके बाद से ही तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं, और अमित जायसवाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, बार बार पाइपलाइन के फूटने के पीछे की वजह क्या है? कौन है वो लोग जो इस तरीके से पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पाइपलाइन फूटने की 2 मुख्य वजह है। एक तो ये जो पाइप डला हुआ है ये कमजोर क्वालिटी का है, प्रेशर पड़ता है तो फूट जाता है। दूसरी वजह ये है कि रास्ते में 50 किलोमीटर का जो पूरा पाइपलाइन डली हुई है, उस दौरान जो गांव आते हैं सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए, कुछ लोग पाइपलाइन को फोड़ भी लेते हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जो टीम ने यहां मॉनिटरिंग की तो 2 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है और 12 लोगों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की गई है। लेकिन आज ये जो पाइपलाइन जहां से फूटी है, 2-3 दिन पहले यहां पाइपलाइन फूटी थी, उसको रिपेयर किया गया था, लेकिन उसके पास में ही ये पाइपलाइन फूटी है। लाखों लीटर पानी बह गया है। तस्वीरों में भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भीषण गर्मी में जब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जब ये पानी इस तरह से व्यर्थ बह रहा है, तो प्रशासन लगातार जुटा तो हुआ है, लेकिन लोग खंडवा के जो है वो परेशान है। उन्हें गर्मियों में पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, कल चक्का जाम भी किया था, और लगातार लोग जो हैं नगर निगम को कोस भी रहे हैं। तो अब जिम्मेदारों की ये यहाँ पर वो बनती है कि वो इस व्यवस्था में सुधार करें। बिल्कुल, और बहुत जरूरत भी है। एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से इस तरीके से अगर पानी की बर्बादी हो रही है तो वाकई में जो जिम्मेदार है इसके, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। और अब बात बेमित्रा की करेंगे, जहां पिरदा में हुए ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान चल रहा है। बारूद फैक्ट्री में कल जोरदार धमाका हुआ था। धमाके के बाद 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। 12 जेसीबी मशीन और माउंटेन चेन से रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप पहली तस्वीर में देखेंगे, जहां जेसीबी के जरिए मलबा को हटाने का कार्य चल रहा है, और दूसरी तस्वीर बहुत ही ज्यादा भयानक ब्लास्ट विस्फोट बारूद की फैक्ट्री में हुआ था। और यहाँ पर 4 से 5 घंटे में कहा जा रहा है कि रेस्क्यू पूरा हो सकता है, क्योंकि तब से रेस्क्यू अभी भी चल ही रहा है। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। कई मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके तलाश में एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी भी तलाशी हो जाए पूरी। जो यहाँ पे अप्रीहेंशन था कि बहुत सारा एक्सप्लोजिव यहाँ पे रखा हुआ था, उसको लेके हमने भारतीय सेना जो है उनके अधिकारी यहाँ पे हमने बुलाए थे, तो उनकी एक टीम जो है वो यहाँ आई है। एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो भी लगभग अगले 2 घंटे में हमें जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि किस तरह से इस बचाव कार्य में और क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ बॉडीज के पार्ट्स जो है रिट्राइव हुए हैं, लेकिन जब तक ये
पूरा मलबा नहीं हटता है तब तक ये बताना मुश्किल होगा कि कितने लोग। तो बेबेतरा में मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। परिजनों के दर्ज किए गए बयान और साथ ही लापता मजदूरों के परिजनों के बयान लिखे जा रहे हैं। बयान दर्ज होने के बाद ही मामला अब जो है खुलकर और भी सामने आएगा कि आखिर क्या हुआ है और कहां पर जो है इन मजदूरों के कोई नामो निशान भी हैं या नहीं है। 9 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 12 जेसीबी मशीनें मौजूद हैं, माउंटेन चेन रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौके पर लगा दिए गए हैं और सिलसिला अभी भी रेस्क्यू का जारी है। इस आपदा के दौरान हम सबको जो है जो विधिपूर्ण कार्रवाई है वो की जाए, इसके लिए सभी स्पेशलिस्ट टीमें भी आयोजित बुलाई गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे रखा हुआ है। मजिस्ट्रेट जो है परिजनों से चर्चा करते हुए जो भी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है रेस्क्यू के दौरान आ रहा है उसको देखते हुए जो है नहीं अभी तक कोई प्राथमिक FIR नहीं हुई है और ना ही जो है किसी व्यक्ति ने जो है यहाँ सीधे तौर पे कोई गुम इंसान की अपनी जो है रिपोर्ट भी अभी तक कोई दर्ज नहीं कराई गई है, पर सिर्फ जो बताई गई है उसके आधार पे भी जो है पुलिस जो है उनको मदद करते हुए पुलिस जो है कार्रवाई कर। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, कहाँ जहाँ पर जो स्पेशल बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुई थी और आप देख सकते हैं वहाँ जहाँ पर ग्राउंड जीरो था, जहाँ बारूद का भंडारण था, वहाँ JCB है, पोकलेन है, अब माउंटेन जो चेन है वो पहुंच चुकी है और पूरी तरह से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ फॉरेंसिक की टीम है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शव हैं वो बरामद मिल रहे हैं, शव के टुकड़े हैं वो बरामद हो रहा है और उसे कलेक्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगभग 10 से 12 JCB लगी हुई है, मलबे को अब पूरी तरह से हटाया जा रहा है और अवशेषों को खोजा जा रहा है। मैं अपने एक सहयोगी मरीज से कहूँगा कि देखिए एक और बारूद का भंडारण का ये केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से मिट्टी को यहाँ पर ढका गया है ताकि उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। साथ ही साथ ये टैंकर आपको दिख रहा होगा, ये घातक केमिकल है और इसमें दो जो टैंक है उसमें जो एसिड है वो रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी भी खतरे से खाली नहीं है। हम जिस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर भी बारूद का भंडारण है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। एहतियातन यहाँ पर किसी को आने के लिए मनाही किया गया है और अब देखिए लगातार ये छत्तीसगढ़ SDRF की टीम है, इसके अलावा NDRF की टीम है और यहाँ पर रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। तो बेमेतरा में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 12 JCB मशीन माउंटेन चेन रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 4 से 5 घंटे का और बताया जा रहा है समय जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी भी यह अभियान जारी है। आकाश शुक्ला हमारे साथ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अभी भी क्या रेस्क्यू जारी है? 9 मजदूर जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं उनका कोई नामो निशान मिल पाया है वहां? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तेज कर दिया गया है, लगातार प्रशासन की टीम जुटी हुई है, इसके साथ जो सेना वहां पर पहुंच चुकी है उसने अपना उसने वहां का कमान ले लिया और रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कोशिश है कि पूरा जो ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया जाए। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि वो बारूद की कंपनी है और कई ज्वलनशील पदार्थ बारूद वहाँ पर है, टेम्परेचर हाई है, गर्मी का समय है, ऐसे में अगर कोई चल रहा है या किस तरीके से घर्षण होती है तो एक ब्लास्ट की आशंका है, जलने की आशंका जताई जा रही है। तो इसीलिए ध्यान से किया जा रहा है, ज़मीन को नमी दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, इसके बाद ही वहाँ जो मलबे को हटाया जा रहा है, इस तरीके से काम किया जा रहा है। प्रशासन ने, जैसे कलेक्टर ने बताया कि कुछ जो लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं, हालाँकि वो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन है कैसे, क्योंकि बड़ा ब्लास्ट बहुत बड़ा धमाका हुआ था और कई पार्ट जो है छत विक्षत हो चुके हैं और इसके अलावा जो लापता लोग हैं और भी दबे होने की बात जो कही जा रही है उसकी, लेकिन पुष्टि किसी तरीके से अभी तक प्रशासन ने नहीं की है। जो पार्ट्स मिले हैं फॉरेंसिक उसकी जांच होगी इसके बाद, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है। तब तक जो है ग्रामीण जिनके परिजन नहीं हैं, लापता हैं, उनका बयान भी दर्ज किया जा रहा है और एक तरफ जो है वो मुस्तैदी के साथ वो लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। जी
बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे अभियान को पूरा किया जाए और फिर ये पता लगाया जाए कि आखिर जो लोग अभी भी नहीं मिले हैं, जो अभी भी लापता हैं, उनको उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि काफ़ी भयानक ब्लास्ट किया और अब इस पूरे मामले में नज़र भी बनी हुई। आकाश, जिस तरीके से अब इस पर सियासत भी होने लगी है, सियासत से इतर कितनी टीमें मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर? कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे का और वक्त जब ये रेस्क्यू चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह से हादसा हुआ है, आज दूसरा दिन है और प्रशासन भी जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा करना चाह रही है और ये पूरा जो आर्मी की फोर्स है और इसके साथ है प्रशासन की टीम, वो मिलकर काम कर रही है। इसके इतर अगर देखें तो ग्रामीण भी बहुत ज़्यादा कल से आक्रोशित थे, लगातार जिनके परिवार के लोग जो लापता हैं उनको लेकर चिंतित थे, तो ऐसे में वो भी धरने पर बैठे हुए हैं, प्रशासन उनको समझाइश दे रही है। इसके साथ ही जिनके घर वाले नहीं हैं उनका उनका बयान लिया जा रहा है, कौन थे, क्या थे, इस तरीके से, और जो भी प्रशासन मदद मुहैया कराने की भी कोशिश कर रही है और समझाइश दे रही है कि शांति बनाए रखे, क्योंकि सबसे जरूरी है ऑपरेशन को पूरा करना। जो वहां पर चल रहा है मैनेजमेंट उसको देख रहा है, प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मौजूद है और इसको जल्द से जल्द ऑपरेशन को पूरा करना चाहती है ताकि जो मलबे में दबे हुए लोग हैं वो मिल जाए, परिजनों को सौंप दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो नज़र बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, अबू झमाड़ जंगल में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों की पहचान हुई है और मारे गए नक्सलियों में 4 से 5 लाख का इनाम भी घोषित था। मारे गए 4 नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारे गए कुल 31 लाख के इनामी नक्सली अबू झमाड़ के जंगल में 23 और 24 मई को मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद आपको वो वीडियो याद होगा जो हमने आपको दिखाया भी था, ये वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शव ले जाते वक्त जो है नक्सलियों ने फायरिंग की थी जवानों पर, जिसका मुंहतोड़ जवाब जवानों ने दिया और 8 नक्सली ऐसे थे जिनको मार गिराया गया। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों की शिनाख्त भी हो गई है। इनमें से कई नक्सली ऐसे हैं जिन पर 4 से 5 लाख का इनाम घोषित था, तो कुछ ऐसे भी नक्सली हैं जिन पर 2 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारे गए कुल 31 लाख के इनामी नक्सली और 23 और 24 मई को ये मुठभेड़ हुई थी। तो वहीं विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जवान ने शौर्य दिखाया है, कांग्रेस उस पर सवाल ना उठाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद बता दे कि नक्सल उन्मूलन के लिए क्या करना है, लेकिन बेवजह सवाल उठाकर जवानों को हताश ना करे। ये शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूँ, मैं हाथ जोड़ करके दीपक भाई जी से आग्रह करता हूँ, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है, भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहां। सन 2022 में, अभी 24 चल रहा है, 2023 में 307 का प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा, मैंने उर्सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है, 2022 में 307 लगा है उनके उसके ऊपर, UAPA लगा है उसके ऊपर 2022, अभी वो सामान्य हो गए। क्या कोर्ट से छूट गए हैं? क्या उनकी जानकारी में है? क्या दीपक भाई जी की जानकारी में है? क्या उन सबकी जानकारी में है कि छूट गए हैं, अब निर्दोष साबित किए जा चुके हैं? ये उनके खिलाफ लगे आरोप हैं। झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गैंग के 4 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। रायपुर और राजस्थान से शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। अमन सिंह गैंग के शूटर सलमान खान के घर पर फायरिंग से तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। गैंग को मयंक सिंह मलेशिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू के कहने पर टारगेट को अंजाम देता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे बेस्ट डे ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह, तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया।
ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे। नारायणपुर में यात्री बस पलट गई।